हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सब स्वस्थ होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का नया ब्लॉग आप लोग के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। तो बताइएगा, ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो अभी तक नहीं किए हैं प्लीज़। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह का समय है और मम्मी जी रोटी बना रही हैं और मुझे दे दी है कि तुम उठ कर, मतलब सब लोग मिलकर ही काम करते हैं। तो यहाँ पर मसूर का दाल रात को भिगो कर उसको तिसियोरी बोलते हैं, तिसियोरी बनाना है। तो उसके लिए दाल को पीसना रहता है बिल्कुल बारीक। तो यहाँ पे देखिए 1 किलो दाल था तो उसको मैं बड़ा वाला ग्राइंडर में पीस ली हूँ। और इसमें ना 1 किलो तीसी, तो 1 किलो तीसी लगेगा दाल के साथ और वो बनेगा। तो आगे आप लोग बने रहिए, कैसे बनता है मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ पर पीस उसके मैं रख दे रही हूँ और सबको धो दूँगी जो भी है पॉट वगैरह। तो देखिए ऐसे ही सुबह में ना थोड़ा सा, अभी इस गर्मी का सीज़न में ना तिसियोरी बिहार में हर घर में बनता है, चरौरी बनता है चावल का, आलू का पापड़, तो ये सब बनता रहता है। तो ये सब अभी काम चालू है, मैं आ गई हूँ तो ऐसे हेल्प होकर बन भी जाता है। तो ये मेरा बाथरूम है, देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ बड़ा सा बाथरूम है तो अच्छा लगता है, क्योंकि अगर टॉयलेट बाथरूम एक में रहता है ना तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है जगह भी। अभी एकदम फ्री फ्री डर लगता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं मॉर्निंग हो गया है। इधर मेरी मम्मी बना रही है सत्तू का रोटी, देख सकते हैं सब लोग मिलजुल कर ऐसे ही काम होता है। इधर मैं दाल था वो पीस ली हूँ और मेरे यहाँ मौसी आई हुई है, मेरी मम्मी की बहन। तो यहाँ पर देखिए मौसी कितना मोटा मोटा मुंडा काट लाइट वाली खाते हैं। करेंगे मौसी सब्जी बनाएंगे, हाँ। ये हमारी छोटी मौसी, मम्मी की सिस्टर, छोटी वाली बहन, अरे नानी है, नानी है कही, हाय कही रहे डालेंगे मोबाइल पर वीडियो बना के, दादी ना वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे नानी सबको बना के। नानी को नहीं आ रहा समझ, खाना बन रहा है गाय। ये मेरी नानी है, मेरी नानी नहीं मतलब मेरे हस्बैंड का नानी, लेकिन मेरी भी नानी है। छोटके बनाए को ये देखिए गाइज, कितना बड़ा बड़ा मुनगा है, मोटा मोटा। ये लास्ट मुनगा था, ये मामा जी के घर से आया था नानी के यहाँ से, तो उसमें का बीज निकाल दिए यहाँ पे, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। और मुझे तो ऐसे भी बहुत पसंद है मुनगा, क्योंकि वहाँ पर जो मिलता है ना वो महाराष्ट्र में हर समय मिलता है, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। और यहाँ पर यही मौसम में आता है, होली से लेकर अभी तक रहता है 1 महीना, लेकिन अब लास्ट था। तो मैं सोची, मम्मी को बोली कि बीज निकाल कर बनाने के लिए, तो वही मौसी काट रही थी। यहाँ पर मैं अपना नाश्ता तो बन ही गया है, सब्जी बनाना है, लेकिन मैं नहा वहा कर बनाऊँगी। यहाँ पर देखिए झाड़ू वगैरह क्लीनिंग कर ली हूँ और ब्रश नहीं की थी, ब्रश करने के बाद कुछ ऐसे खा लूँगी। अरे यहाँ पर मैं बात भी करते रहती हूँ यहाँ पे सब लोग से, और काम भी होते रहता है तो उतना काम का टेंशन नहीं रहता है कि हाँ एक ही साथ मिलकर करना है। फिर रोटी बनाने के बाद आटा को ना पानी में डाल दिए थे मम्मी, और उसको मैं धोकर रख रही हूँ। और जो चकला होता है तो सबको सुबह सुबह में थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा तो रहता ही है, लेकिन सुबह में थोड़ा सा ज़्यादा काम लगेगा, फिर दोपहर में सिर्फ बनाना खाना ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सब काम कर ले रही हूँ, उसके बाद जो भी है काम घर का पोछा ओछा वो होगा। यहाँ पर तिसियोरी बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग, डालिए ना, ये कच्ची है, देखा ये जीरा है, ये गोलकी है, एक
कितने कप के तेज है गुल के आउट वाली थोड़ा सा। हाँ अई मैं अजवाइन मंग रही मैंने अभी नमक को मिला के देखते होता आप कुछ ये मैं खाए वाला सोडा है मैंने दे दे हो जाता है डाली ना और रस ऊपर से थोड़े से फूलते ना हमारे चाय का गुंडी नहीं था और मी चाहिए है ना तो कलर वाला है उतना तीखा वाला ना है। ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से फेंटा जाता है और इसमें खाने वाला सोडा डालने से ना वो फूला हुआ बनता है। तो एक किलो दाल लिए थे मसूर का उसको पीस कर एक किलो तीसी को अच्छे से धोना रहता है क्योंकि उसमें बहुत सारे से कंकड़ पत्थर रहता है। तो मेरी ना सास को आता है ना मम्मी को ना मुझे तो ये बगल की हैं मीना दीदी बहुत हेल्प करती हैं तो उनको मम्मी बुलाई थी तो वही हेल्प करके सबको देखिए कितना जल्दी जल्दी बना रही हैं मुझे भी सिखा रही हैं वो देखो। हाँ हाँ वैसी हाँ वैसी निकाल हो और देते हैं देखो ऐसे करके ऐसे तो तुरंत निकल गया गोल गोल अतनी लुबलू बनाते हैं हमारा से तो क्या होते तेरी के होते सीखते सीखते हो जाते। यहाँ पर मैं बैठ कर देख रही थी तो वही बोले कि तुम ही आप तुम बनावा ऐसे हम लोग का लैंग्वेज भी आ रही तो सीखवा थोड़ा बहुत भी बनाईवा तो ऐसे तो फिर देखिए मैं भी बना रही हूँ। और सच्ची बताओ मुझे इस समय इंटरेस्ट बहुत है मैं तो करना चाहती हूँ लेकिन धूप के वजह से मैं सोच रही थी कि मम्मी लोग दोनों ये लोग इतना जल्दी जल्दी फटाफट बना रहे मैं धीरे धीरे बनाऊँगी लेकिन बहुत ही ईजी है और अच्छा भी लगा बनाने के बाद। देखिए सब लोग मिलकर करीब आधा घंटा भी नहीं लगा था बन गया था। इसको छान कर खाना रहता है ऑयल में खिचड़ी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तिजोरी अगर आप लोग बिहार के होंगे जानते होंगे तो यहाँ पर आने के बाद फ्रूट्स खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है सबके लिए वहाँ भी मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्जी बनाने आ गई हूँ नहाई नहीं मैं सोची कि नहाकर बनाऊँगी लेकिन फिर नहाने में ना बहुत लेट हो गया ऊपर छत पर गई ना थोड़ा बात करने लगी तो यहाँ पर ड्रमस्टिक को अच्छे से धोकर और आलू को छिलका वाला आलू यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर यूज करती हूँ रेड वाला आलू रहता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। ये है सरसों पीली वाली और लहसुन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ली थी और जीरा और काली मिर्च को पीस कर इसमें लाल मिर्ची डाल दी हूँ। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी बिल्कुल मछली जैसा सब्जी बना था। और यहाँ क्या पता क्यों वहाँ पे मैं कितना भी तेल ऑयल मसाला डालती हूँ फिर भी सब्जी का टेस्ट वैसा नहीं आता जैसे यहाँ पे कैसे भी भूंज भाज कर बना देती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि ऐसे ही बनाया करना जैसे तैसे तो वैसा ही टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे भूंज दी हूँ और अच्छे से ही बनाई थी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कितना टेस्टी लग रहा होगा बिल्कुल फिश जैसा ग्रेवी और मुझे तो ये सब बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे मिलता नहीं है सब। तो यहाँ पे मैं नहाने के बाद नाश्ता कर रही हूँ और इसके साथ बना था सत्तू का पराठा और वो खा रही हूँ। देखिए मम्मी बनाई थी वो सुबह सुबह तो बना कर रख दी थी सब लोग नाश्ता हो गया। आम का जो गुरामा बोलते हैं ना वो बनाई थी उसके साथ में। अब एक लीप है करीब शाम का। शाम को यहाँ पे कुछ ना कुछ शरबत हो गया चीनी का शरबत बेल का शरबत ते है बेल जो बिहार का होंगे चाहे तो जो शंकर भगवान को बहुत प्रिय है ते पका हुआ बेल यहाँ मार्केट में इजीली मिल जाता है 20 का ऐसे 30 का। तो यहाँ पर इसका जो खोपड़ी होता है ना उसमें गुद्दा रहता है उसको निकालना रहता है फोड़ कर इसमें बीज भी रहता है उसको अच्छे से हाथ से मसल मसल कर इसमें चीनी डालना रहता है जितना मीठा पसंद है। तो यहाँ पर मैं ये सब की नहीं हूँ मतलब पी हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से करते हैं। तो देखिए घोल दिए हैं और इसको अब पियेंगे और गर्मी मौसम में ठंडा करता है पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन कैसे हो उम्मीद करती हूँ फैमिली सब बहुत अच्छी होगी। तो अभी शाम हो गया है और मैं ब्लॉग का एंड नहीं की थी तो सोची आप लोग से थोड़ा बात कर लेती हूँ। और अभी शाम का खाना की तैयारी चल रहा है एक्चुअली फिश बन रहा है और उसके लिए लहसुन वगैरह मैं सब छील रही हूँ छत पे बनाने जा रही हूँ। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा मैं चूल्हे पे मतलब गैस नहीं है गैस क्या है ना एक ही सिलेंडर है तो किचन में लगा हुआ तो उसमें तो रोटी चावल बनेगा। तो छत पे बहुत सारा लकड़ी फर्नीचर का ये सब काम चला था ना तो लकड़ी बचा हुआ है तो वही यूज करके बनाने वाले हैं।
तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। तो उम्मीद करती हूँ फैमिली सब आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे ही प्यारा सा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।